एक्सक्यूज मी, अब जाइए. थैंक्स. सो कुछ ऑर्डर करें? हाय, यू हैव कॉफी? आई गेट अस टू कैपुचिनोस एंड सैंडविच, अ सैंडविच विद सम फ्राइज. थैंक यू. रिया, मुझे तुमसे बात करनी है. आप बोलो ना. अब तुम फोन रख दोगे एक मिनट? शिवम, मेल भेज रही हूँ बॉस को. अगर मेल नहीं भेजा ना तो नौकरी चली जाएगी. सुनो, अब मेल हम भेज देंगे, लेकिन बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है. तो अच्छा ठीक, लो. बात ऐसी है कि मैं चाहता था कि तुम ये जॉब छोड़ दो. जी नहीं, हमारे नहीं. नहीं नहीं, हमारे हमारे. अब प्रीति जी, दिस इज फॉर यू. जी ये किस लिए? लीजिए तो सही. ये एक्चुअली इसके दो कारण हैं. एक ये कि आपसे सॉरी कहना है. सॉरी? और दूसरा थैंक यू. वो क्यों? क्या क्यों? सॉरी क्यों? सॉरी एक्चुअली क्या है ना कि मैंने आपसे झूठ बोला. झूठ? जी. क्या? आई मीन तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो? मतलब तुम सेंसेस में हो? अरे हाँ बिल्कुल. देखो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, उसके बाद मैंने ये फैसला लिया कि तुम प्लीज ये जॉब छोड़ दो. अब समझ आ रहा है कि तुम हमेशा से चाहते थे कि मैं जॉब छोड़ दूं. अच्छा, यही सब कहने के लिए तो तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे कॉफी डेट पर. ये तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा धीरे बोलो, सब देख रहे हैं. देख रहे हैं तो देखने दो. सबको पता चले ना कि शादी के बाद इंसान कैसे बदलता है. ये ऐसी बात नहीं जैसा तुम समझ रही हो. तो फिर कैसी बात है शिवम, बताओ तो कैसी बात. शादी से पहले तो तुम मुझे कभी ऐसी डेट पर नहीं लेके आए थे. देखो प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो. मुझे कुछ नहीं समझना है. अगर मुझे सच में पता होता ना कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती. रिया प्लीज बैठे रहो, मुझे तुमसे बात करनी है. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है. प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, उसके बाद जो तुम्हें समझना है समझो. लेकिन इतनी बात याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं. देखो बात ऐसी, जैसे मुझे पता चला कि बॉस ने तुमसे बहुत रूडली बात की है, बहुत गंदा बिहेव किया तुम्हारे साथ, तो मुझसे नहीं रहा गया. मैं बॉस के पास पहुंच गया उसे समझाने के लिए, तो बंटी ने मुझे रोक लिया. इस बार तो मैंने कंट्रोल कर लिया, शायद अगली बार नहीं कर पाऊं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम जॉब करो, लेकिन ये वाली नहीं. तुम प्लीज इसे क्विट कर दो. तुम कहीं और जॉब कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उससे. एक्चुअली कोई टी पार्टी नहीं है, बस. और थैंक यू इसलिए कि आप अपना समय निकाल के मुझसे मिलने हैं. एक्चुअली एक झूठ और बोला. एक और झूठ? जी वो क्या है ना, मुझे आपका नाम पहले से मालूम था. हाँ प्रीति जी, पर ये झूठ क्यों बोला? मेरा मन. जी नहीं, मतलब नहीं नहीं, मेरा मतलब कि मेरा मन कर रहा था आपसे मिलने का. वो क्या है ना कि अगर कोई लड़की अगर करवा चौथ वाले दिन मेरी आवाज सुन के अपना व्रत तोड़े तो मन करता है उससे मिलने का. A wonderful smile. वैसे प्रीति जी एक बात कहूँ, बहुत स्वीट है आवाज, आपकी आवाज बहुत स्वीट है. सीरियसली मैंने इम्प्रेस किया ना?
नहीं नहीं क्या बोल रहे थे, मेरा मतलब कि आपने इम्प्रेस किया। नहीं, आपकी आवाज ने मुझे इम्प्रेस की। जी जी, एक्चुअली आपकी आवाज ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। जी, आई एम रियली सॉरी। नहीं, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, ये गलती से हो गया, सॉरी। थोड़ा प्रीति जी, आई होप यू आर फाइन। कुछ नहीं प्रीति जी, मैंने आपको इतनी बार सॉरी बोल दिया, आप अभी भी स्माइल नहीं करे। आप स्माइल करो ना, बहुत ब्यूटीफुल है आपकी स्माइल, सच्ची। अरे आप मिलो ना। देखो रिया, मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी जॉब छोड़ो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम अपनी जॉब चेंज कर लो, क्योंकि कल को अगर बॉस ने तुम्हें कुछ कहा तो मुझसे नहीं रहा जाएगा। भैया, तो ये पहली बार थोड़ी हुआ है हमारे साथ शिवम, ऐसा पहले भी हो चुका है। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जा चुकी है, तब तो तुमने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। भैया, तब तुम मेरी कॉम्पिटिटर थी और अब तुम मेरी वाइफ हो। तो क्या हुआ? ये मैं क्या कर रही हूँ? मम्मी पापा इतना ट्रस्ट करके मुझे ऑफिस भेजते हैं और मैं यहाँ किसी को बिना बताए मोहित मेरे से मिलने आ गई। अगर भैया भाभी ने देख लिया तो मेरी तो बहन बच जाएगी। प्रीति, प्रीति, प्रीति कहाँ गई? वन सेकेंड प्रीति। शिवम, मुझे अब यहाँ नहीं बैठना है, क्या हम यहाँ से चल सकते हैं प्लीज? रिया प्लीज, मेरी बात तो एक बार सुनो। रिक्शा भैया, लाल चौक जाना है। अरे प्रीति, प्रीति तुम कहाँ जा रही हो? अरे प्रीति मेरी बात तो सुनो। अरे ये तो बताओ, अगला कॉल कब करोगी? लगा तो नहीं आपको? सॉरी, नहीं, जोर से मारता है, पूछता है, लगा तो नहीं। रिया, रिया मेरी आंखों में देखो तुम प्लीज। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं? तुमसे प्यार करता हूं मैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं और इसीलिए चाहती हूं कि तुम समझो मुझे ये नौकरी करनी है। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। अगर तुमसे किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की, कसम खाकर कहता हूं मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। हां बाबा ठीक है, उसकी टांगे तोड़ देना, उसको मारना, उसको पीटना, उसका मर्डर ही कर देना। ऐसा टाइम तो बहुत कम आता है जहां मुझे तुम्हारा पजेसिव और प्यार करने वाला साइड दिखता है। नहीं सुधरोगी। चलो